जग सफेद कुर्ता पाजामा पहने नेताजी अपनी जेब में हाथ डाले चंद समर्थकों के साथ यूपी के मुरादाबाद में पुलिस लाइन पहुंचे थे, लेकिन यहां तो इनकी घनघोर बेइज्जती हो गई। पुलिस लाइन है, मैं बता दूं, नहीं पता लगा कि बहुत हो गया है, गलत हो गया। अब जरा आपको नेताजी की तारीफ भी करवा दे। ये जनाब समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और मौजूदा एसपी विधायक कमाल अख्तर। नेताजी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा के आरोप में मुरादाबाद के थाने में बंद प्रदर्शनकारियों की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि अब यहाँ साइकिल वाली सरकार नहीं, जिस दौरान वो सत्ता की हनक और धनक में रहते थे, यहाँ तो अब बुलडोजर बाबा की सरकार। जो दोषियों को बख्शते नहीं, यहाँ गुनाह करने वालों के लिए कोई पैरवी भी नहीं चलती। सो जनाब को बड़े बेया बरू होकर यहाँ से पतली गली पकड़नी पड़ी। बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं, मैं बता दूं पुलिस लाइन है, मैं बता दूं, नहीं पता लगा कि बहुत हो गया है, गलत आपने बुलाया गया है, राजू क्या गलत नहीं, आप आपको ले जाना, कोई कोई नहीं, और ये क्या है, चलिए देखिए, अच्छी बात नहीं, जब ले जाइए। दरअसल पुलिस लाइन में जैसे ही कमाल अख्तर दंगाइयों की पैरवी करने पहुंचे, यहां पुलिस लाइन में तैनात सीओ महेश गौतम ने विधायक जी को हड़काते हुए उन्हें फौरन यहां से बाहर जाने का फरमान सुना दिया। कुछ देर तक तो विधायक जी अपनी विधायकी की ठसक दिखाते रहे, इधर उधर करते रहे, लेकिन जैसे ही सीओ साहब ने इन्हें भी बंद करने की धमकी दी तो उनकी अकड़ ढीली हो गयी। नेताजी ने यहाँ से गाड़ी में बैठकर जाने में ही अपनी भलाई समझी और निकल लिए यहाँ से। टीम न्यूज़ नेशन।